नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आगामी रेलवे भर्ती 2018 की तैयारियों के लेकर हमारी ये सीरीज़ चल रही है सामान्य विज्ञान की, जिसमें जीव विज्ञान का पार्ट 3 मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। आप हमारे चैनल से मुफ्त PDF फाइल्स का प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि आप सभी पार्ट्स देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जीव विज्ञान पार्ट 3 का। दोस्तों, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं, यानी कि जो बॉटनिकल संवर्धन, संवर्धन का अर्थ होता है ग्रोथिंग से रिलेटेड है ये टर्म, ठीक है। तो इससे संबंधित विज्ञान होता है दोस्तों हॉर्टिकल्चर। स्पर्मोलॉजी किसका अध्ययन है, तो दोस्तों ये बीज से रिलेटेड अध्ययन है, सीड्स से रिलेटेड। एगेस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन करता है, तो दोस्तों इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो ग्रासेस होती हैं या घासें होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है। पीडोलॉजी का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, किस ब्रांच के अंदर, तो दोस्तों सॉइल से रिलेटेड है और भूमि का इसमें अध्ययन किया जाता है। पौधों का नामकरण देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, दोस्तों वार्गिकी, क्लासिफिकेशन। निम्नलिखित में से किसे वार्गिकी का पितामह कहा गया है, तो दोस्तों कैरोलस लीनियस, जिन्हें वार्गिकी का या क्लासिफिकेशन का पितामह, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया है। सूक्ष्म जीव कहां पर मिलते हैं, तो दोस्तों रेतीली मिट्टी में मिलते हैं, लवणयुक्त पानी में मिलते हैं और दलदली भूमि में मिलते हैं, यानी कि इन सभी जगहों पर ये मिलते हैं। दोस्तों विषाणु वृद्धि करता है, तो दोस्तों केवल जीवित कोशिका में वृद्धि करता है, जहां से उसे खाद्य पदार्थों को भक्षण करने में मदद मिलती है या उसका भोजन का भोजन जो है वहाँ से मिलता रहता है, तो वो जीवित कोशिकाओं में ग्रोथिंग करता रहता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है, दोस्तों इस साइकस के बीज से, साइकस के पेड़ के बीज से बनाया जाता है। पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, दोस्तों पौधों को अध्ययन करने वाली जो शाखा है, ब्रांच है, उसे पोमोलॉजी कहते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन थे, तो दोस्तों आप सभी को मैंने पहले बताया लीनियस है, कैरोलस लीनियस। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो दोस्तों लीवन हॉक के द्वारा बैक्टीरिया जीवाणु की खोज की गई। जिन पौधों के बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते, ऐसे पौधे क्या कहते हैं, दोस्तों एक होते हैं अनावृत बीज पौधे, एक होते हैं आवृत बीजी। तो जिन पौधों पर बीज बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं लगते, वो अनावृत बीजी पौधे कहलाते हैं, जबकि जिन पर पुष्प लगते हैं वो आवृतजीवी पौधे हैं। तो सही जवाब है इस क्वेश्चन का अनावृत बीजी पौधे। जीवाणुओं को साधारणतः आकृति किस तरह की होती है, दोस्तों छड़ी रूपी में होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं, उन्हें गोलाणु जीवाणु कहते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, तो दोस्तों TB जो कि बैक्टीरिया से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। मानव की आंख में पाए जाने वाला जीवाणु कौन सा है, तो दोस्तों एसिथ्रीडीशिया कोलाई, जो कि मानव में पाए जाने वाला जीवाणु है। एंटीबायोटिक्स अधिकांश पाए जाते हैं दोस्तों जीवाणुओं में पाए जाते हैं। सबसे छोटा जीव पूछा जाता है, तो दोस्तों अगर विकल्प इस तरह के हों तो सही जवाब है इसका माइक्रोप्लाज्मा। निम्न में से कौन सा जीवाणु के कारण होता है, तो दोस्तों हैजा, जो कि पानी वगैरह, खराब पानी या खाद्य पदार्थों में, उसमें बैक्टीरिया होते हैं और अगर उनका सेवन करें तो हैजा रोग होने की पूर्ण संभावनाएं रहती है। ये गर्मियों में ज़्यादा फैलता है दोस्तों हैजा रोग। तो दोस्तों ये टॉप 20 MCQ होगा जीव विज्ञान के, और इसी तरह से मैं सीरीज लगातार चलाता रहूँगा जो कि रेलवे में आए हुए सारे क्वेश्चन है। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।